ऐसा लगा कि उसको मस्त मजा आएगी फिर आए। ये है दर्शक यार तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष कुमार साहब, आई एम फ्रॉम सेकंड, अरे यार कट सॉरी, 2000 इयर्स लेटर एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ईश्वर शुभम, आई एम फ्रॉम एआई डिपार्टमेंट। सर आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सुमित यादव, आई एम फ्रॉम योगेंद्र मकदुम, यांत्रिक अभियांत्रिकी ब्रांच का हूँ। कल्पेश पाटिल, माय ब्रांच इज यांत्रिक अभियांत्रिकी, IIT रोपर। वैसे तो ऑप्शन ही नहीं था दूसरा कोई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ रोपड़ में मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट ठीक था, बाकी ब्रांचेस का भी हाई था, तो अगर ब्रांचेस का भी लेकर चलते हैं तो फिर यहाँ का अच्छा रहता है। कि जो IITs मिल रहे थे उसमें रोपर बेस्ट था। दूसरा रीज़न बोला जाए यह है कि मनाली बहुत पास है। सबसे बेस्ट IIT रोपर मैकेनिकल ही लगा, इसका पैकेज है ना बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिस IIT के वीडियो देखे, कई बहुत अच्छे से समझाया। ये LOC देखा, ऐसा लगा कि उस पर मस्त मजा आएगी फील आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, टैंक पर मिला वो ले लिया। अब कोचिंग में टीचर्स ने बहुत ज्यादा IIT रोपड़ की तारीफ की और वीडियोस देखी, तो कैंपस बहुत अच्छा लग गया। अच्छा मैंने तो CSE का एवरेज पैकेज 30 लाख देख लिया था। पैसा ही पैसा हो गया। तो घर के पास था और CS मिल रही थी और स्पाइरल ने दीवाना कर दिया था। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, ये सब रैंक से मिला है। MIT मैंने भी मतलब मेरा भी रैंक के हिसाब से मिल गया। इतना बड़ा कैंपस है देखिए, मतलब मैं तो भाई फैसिनेट हो गया पूरा कि मतलब इतना सुंदर IIT हो भी सकता है। कैंपस तो भाई माइंड ब्लोइंग इधर का। अच्छा हम दोनों का तो साथ ही था, मतलब हम 2 बजे चंडीगढ़ पहुंचे, मिलते से ही बस छूट गई हमारी, तो बस स्टैंड पर ही बिस्तर लगाया, दोनों सो गए। 3 बजे हम दोनों साथ में, हमारे पेरेंट्स हम खुद पर हंस रहे। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे सुबह सुबह आया, मैंने इससे मिला, मैं इसको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मिला था पहले, मैंने चैटिंग की थी इससे, हम दोनों बहुत बात कर रहे थे उस टाइम पे। पूछा किसी ने कैंपस देख के ऐसा हो गया, रे तो क्या ही चीज मिल गई। पहले तो उसको ही घूमने लगा, मैंने कहा जाए बाहर में रूम, बाहर में देखेंगे रूम का। तो मैंने कैंपस देखा, कैंपस पहले मस्त लगा था लेकिन अब तो बोर हो गया हूँ कैंपस। मुझे सबसे पहले MTech के भैया मिले थे उस दिन, MTech के भैया के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बोला कभी मिलना बाद में। वो अभी क्यों बुलाया था पता नहीं, मैं गया ही नहीं बाद में। सुबह फिर आ गए 10-10 बजे तक, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, मेरा रूममेट नहीं आया, दूसरे दिन भी रूममेट नहीं आया। इतना सुकून, मुझे लगा नहीं आएगा लेकिन फिर आ गया। मेरा फर्स्ट डे तो इसी कंफ्यूजन में निकला था कि हम कहाँ आ गए और क्यों आ गए। यहाँ LOC घूमने आए थे तो यहाँ पे 4th ईयर के सीनियर मिल गए थे, तो उनसे इंटरेक्शन हुआ बहुत ज्यादा। पता कि हमने सीनियर्स बन के ऐसे फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे गए थे और बच्चों की रैंकिंग गिर रहे थे। फर्स्ट दिन बस ऐसे घूमा कैंपस, मतलब बातों बात कमी है और ऊपर से सीनियर्स साले। मेरे को डर नहीं लगता, वो सारे फर्स्ट ईयर के लड़के को लेके जाते हैं। हमारे तो मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता। सबसे मेन तो वही है, बुरा लगता है भाई। भाई। बहुत कम लगा, हार्डली कुछ दिखती है, क्या दिख जाती है मतलब बस यही है, लेकिन ट्राई नहीं कर सकते। बड़ा हरामी हो, हम तो बस ऐसे घूमने वाले हैं, कहीं मिलता ही नहीं कभी कुछ। ऑफ कोर्स फ्रेशर्स देखेंगे ट्राई करके मिली कोई। अगर फ्रेशर्स पे कोई मिल जाए तो ठीक है, बस अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं अपने जूनियर्स पे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हम तो सीनियर पे ट्राई करेंगे क्योंकि सीनियर से अगर बात नहीं बन पाई तो कम से कम पढ़ाई वाला ज्ञान तो मिल जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, टोटली सीनियर को कभी चाहूंगा, मतलब सीनियर क्या करेंगे उसके पीछे पीछे घूमेंगे, फिर ये हेल्प चाहिए वो चाहिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ करके उनको फंसा लेते हैं। पहली बार सीनियर तो बस सीनियर जूनियर में कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीनियर पे ट्राई करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है समरिया, जो सही लगे उसके साथ, बैचमेट के साथ थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अच्छा सीनियर थोड़ा मोटिवेट कर देंगे और फाइनल PhD वालों के साथ भी करेंगे। सीनियर ही है, मेरे को जूनियर में मजा नहीं आता, सीनियर में फील आता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जूनियर है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। से जूनियर क्योंकि फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा ना, फिर मेरा इसके लिए अलग आंसर है, मैं सीनियर सेकंड ईयर में जाके जूनियर को डेट। मेरा भी सेम ही ओपिनियन है, सीनियर को देख ही लिया सब उठा के ले जा रहे, तो हम भी उठाएंगे। 10 CGPA झूठ बोल रहा है। अभी सर ने बुक पढ़ने के लिए कहा था, उसमें लिखा था कि गोल्ड डिगर्स मिलने के ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं नॉर्मल लव से।
10 CGPA. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और मुझे 10 CGPA, लाइक मेरा मतलब एक कोट है ध्यान में, ठीक है। मैंने किसी सुना था कि तू ना खुद का अपना गार्डन बना, तितलियां खुद ब खुद आएगी। 10 CGPA अगर मिल गया ना तो ब्रांच भी चेंज हो गया, लड़की भी अपने आप आ जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी। 10 CGPA लेंगे हम तो, लड़कियाँ तो आती जाती रहेंगी, 10 CGPA नहीं आएगा हर बार। वो तो मम्मी पापा भी दिलवा देंगे लड़की के बाद में। बात तो सही है। 10 CGPA लोगों की बात ऐसे, 10 CGPA लेके IIT से निकले तो तुम्हें अरेंज मैरिज के एटलीस्ट 4-5 ये तो आ ही जाएंगे रिश्ते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 10 CGPA तो 4 साल सिंगल घूमना पड़ेगा। जहाँ 17 साल घूमे वहाँ 4 साल भी घूम लेंगे, ऐसे ही मार लेंगे किसी पे भी। मैथ्स के लिए तो 10 out of 80 सही। ये क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ठीक रहती है और कुछ बहुत ही बेकार। और हॉस्टल में, हॉस्टल को थोड़ी कम रेटिंग दूंगा मैं, 6, क्योंकि हॉस्टल में एक तो हमारे वाईफाई अवेलेबल नहीं सबसे मेन, और थोड़ी रूम छोटी आ जाती है इसलिए। और मैथ्स की रेटिंग में तो वैसे 10 out of 8 ही सही है, 8.5 तक। और हॉस्टल का तो एकदम मतलब खराबी सिस्टम है। हॉस्टल को तो 6 देना चाहूँगा क्योंकि प्रॉब्लम्स ढेर सारी है। इसलिए उन्होंने हॉस्टल बनाया ही इसलिए कि लोग बाहर ज़्यादा रहे, हॉस्टल में कम रहे। मैथ्स को मैं अच्छा दूंगा, 8 दूंगा, क्योंकि स्वीट जो बनता है वो बहुत बढ़िया बनता है। हॉस्टल को दूंगा 7 out of 10 क्योंकि लाइक रूम्स पर ही ठीक है पर कीड़ों का बहुत प्रॉब्लम है। पर एक अच्छा है, लैन बहुत फास्ट है यहाँ का, मेरा स्पीड 1 GBPS तक गया लैन। मैं हॉस्टल को 8 रेटिंग दूंगा और मैथ्स में मैं 7 दूंगा। हॉस्टल को 8 दूंगा क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। और मैं मैथ्स को 6 दूंगा। हॉस्टल का रेटिंग तो मैं 10 में से हॉस्टल को 8 दूंगा। तो ये 4-star होटल लगता है मेरे को तो हॉस्टल। हॉस्टल को रेट तो मैं अच्छा ही दूंगा, तो इतना चलता ही नहीं मेरे रूम में, लेकिन इसने मुझे टिप दे दिया अब इसके रूम में। क्या बोला तूने? कि तो मेस की बात करें तो पहले भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, उससे तो कई ज़्यादा अच्छा ही है, इसलिए 9 से। मैं 10 में से अगर रेटिंग दूँ तो 7। और हॉस्टल नया बना है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और रात में तो अमंगस खेलते ही हम लोग, रेड रूम बना के, वो भी वो रेड रूम बना के, वो अलग ही फील है। और हॉस्टल अच्छे हैं, 8 रेटिंग होगी। बाकी कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे हैं। आप चनाब और VR से कंपेयर करोगे तो अब तो उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो भी मिलेगा अभी सेकेंड थर्ड ईयर में। मैथ्स को 6 एंड हॉस्टल को 7। हॉस्टल में मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ जाते, हाल कोई आ जाती तो लाइब्रेरी भागना पड़ता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किसी कॉलेज के बाहर पानी पूरी खेल खो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कठेला खोले था क्योंकि पानी पूरी पे ज्यादातर लड़कियां ही आती हैं। एहे, रहा नहीं जाता। मैं तो पापा की नौकरी करता, पैसे कमाता, लड़की पटाता, बस सेट। मेरे पापा का बिजनेस नहीं है भाई, चाय का टपरी खोल लेंगे क्योंकि आजकल MBA चाय वाला, MBA गोलगप्पा वही चल रहा है, तो अब भी फिर वही करेंगे और क्या। YouTube चैनल खोल लेते एडलस तो वही है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैं तो मोमोज की लेडी लगाता मैं कैंटीन खोलता तो मैं हर IIT में कैंटीन और कॉफी डे खोल लेता। एक बार रिपीट भी ट्राई कर लेते। मेरा रूममेट यही है, हम दोनों का नाम भी सुमित है, सुमित स्क्वायर। हम दोनों ग्वालियर से ही हैं एंड CSE से। ये ना रूम में सामान ही फेंकता रहता और सब लोगों को बुला लेता तो रूम हमारा बिल्कुल गंदा ही रहता। ये खुद बोतलों के नशे में रहता है, ये हर हफ्ते एक बोतल लेके आता है दवाई की। अच्छा। और उसको पी के पता नहीं सोए डाला रहता है। ये सबको बुला लेता है, गेम खेलता रहता है और हमारा रूम गंदा ही पड़ा रहता है दिन भर। अबे तू नहाता तो है नहीं। नहाता मैं इससे पहले नहा लेता उठ के जल्दी। अबे उठता तो 9 बजे की क्लास में, 8:50 पे तो उठाता हूँ उसको मैं उठाता हूँ इसको। तो 11-12 से ही मेरा दोस्त था और फिर यहाँ पे भी मिले हम और फिर बाकी खुले सांड की तरह सोया रहता है, लेकिन दिल का वो सही है। दिल का ये भी बहुत सही है। अच्छा, ये भी ठीक ठाक ही है। रूममेट पूरा दिन सामने वाले के कमरे में पड़ा होता है, कभी अपने कमरे के ओर ध्यान ही नहीं देता है। उसकी एक ही हैबिट गंदी है, वो नाम लगा देता है। अलार्म भी उसके 5-5 मिनट बाद स्नूज होते रहते हैं हमेशा। तेलुगु का है तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात होती है तो बिल्कुल वो अजनबी जैसा ही। बेस्ट प्लेस पे ऑब्वियसली पहले तो हमारा ये आएगा स्पाइरल, और उसके बाद अभी हमारा सुपर एकेडमी बन रही है वहाँ पे। अभी चाय का ये खुला है और वो इतना मस्त है ना, मतलब बाकी सारे फूड आउटलेट उसके सामने फीके पड़ गए। रात को जाना है तो रात को यहाँ पे आ जाओ, सबसे बेस्ट जगह है LOC। तो अगर मेरे से पूछोगे तो आप इट डिपेंड्स, लाइक अगर आप दिन में देखोगे ना तो ये जो LOC है ना क्या श्राइन है उसकी, मतलब बहुत सही जगह है, ठीक है। बट बात आती है रात की, रात में पूरा कैंपस जो सुकून देता है, अगर आपको सुकून चाहिए सच में CS बिल्डिंग के पीछे चले जाओ, आप रात में सो नहीं पाओगे लिटरली।
जनता माफ नहीं करेगी। जैसे पिलर्स हो गए, एलओसी हुआ, रात में बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो पूरे दिन और रात के लिए रावी हॉस्टल तो बेस्ट ही है। हाँ, दिन में तो मेरे को स्पाइरल ही पसंद आता है और रात में भी स्पाइरल ही पसंद आता है, क्योंकि अंधेरा होता है, कुछ कुछ चल रहा होता है यहाँ। तो ऑकवर्ड करने में बड़ा मजा आता है मुझे, रात को आओ और ऑकवर्ड करो लोगों को। दिन में लाइब्रेरी, आराम से मूवी देखो वहाँ पे जाके एसी में। मैं वो तो सीएस लैब के पीछे का सीन अच्छा लगता। मुझे तो यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शिमला जैसे फीलिंग आती है पूरी। सुपर एकेडमी ब्लॉग भी काफी अच्छा है, मतलब वहाँ तो एकदम मजा आ जाता है।